चिकन सीख कबाब पराठा, और उसके लिए हमें चाहिए नींबू का रस, एक नींबू का रस है, खसखस ली हूँ मैंने 2 बड़े चम्मच, चना लेना है हमें आधा कटोरी, 2 अंडा लेना है, काजू लेना है हमें 10 से 15, बेकिंग पाउडर है आधा चम्मच, फ्रेश क्रीम लेना है हमें आधा कटोरी, घी लेना है 1 बड़ी चम्मच, एक नमक स्वाद अनुसार, सूखे मसाले में हम 5 लाल मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा और ब्लैक पेपर। हरे मसाले में हम आएंगे तो यहाँ पे मैंने लहसुन ली हूँ थोड़े से, अदरक का 2 टुकड़ा है, पुदीना लेना है हमें थोड़ा सा, हरा धनिया और ये हरी 4 मिर्च, मैदा लेना है हमें 1/2 किलो और चिकन लेना है हमें 1/2 किलो। सब में पहला मैं एक पैन रखूंगी गरम करने, मैंने रख चुकी हूँ। हमें जो काजू, खसखस और चना, इसे हमें भूनना है, तो मैंने पैन रखी हूँ, गरम हो चुका है। मैं पहले चना मिलाऊंगी, हमें इसे रोस्ट करना है हल्के, इसमें कम आंच में, तो हम इसे जस्ट रोस्ट करेंगे 1 मिनट तक, फिर इस गैस को बंद करेंगे और मिक्सी में पीसेंगे। इसका बारीक पेस्ट करना है हमें, तो इसे अच्छे से भूनिए 1 मिनट तक और फिर हम पीसेंगे। चना और काजू, खसखस हमारा भून के हो चुका है, आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें भूनना है। अभी इसे मैं मिक्सी पॉट में निकालूंगी, हमें इसे बारीक पेस्ट बनाना है ठंडा होने के बाद, गरम में मत पीसिए, तो ठंडा कीजिए और बाद में पीसिए। अभी मैं पैन रखूंगी, वही हमने जो सूखे मसाले लिए, जीरा, मिर्ची, हरा धनिया, ये सब ऐड करूंगी और इसे भी 1 मिनट तक हमें भूनना है, और इसका पेस्ट हम थोड़ा दरदरा रखेंगे, मोटा रखेंगे, तो 1 मिनट तक इसे भी भूनेंगे और इसे भी पीसेंगे। मसाले हमारे तैयार है, आप देख सकते हैं इसे मैंने दरदरा पीसा है, और जो चने और काजू का पेस्ट है खसखस का, इसे बारीक किया है मैंने, तो अभी मैं दोनों को साइड में रखूंगी। जो हरे मसाले हमें उसे चॉप करना है, मैंने चॉपर पॉट ली हूँ, इसमें सब डाल दूंगी मसाले, हमें इसे चॉप करना है। इसे धनिया डाल दी मैंने, पुदीना डाल दी, और बाकी के मिर्ची, अदरक और लहसुन, ये भी डाल दूंगी और हमें इसे चॉप करना है। चॉप मसाले हमारे तैयार है, इसी तरह से हमें चॉप करना है। अभी ये प्लेट को मैं साइड में रखूंगी, अभी हम चिकन में सब मसाले मिक्स करेंगे। तो पहले मैं लूंगी चिकन, बाउल में, बड़े बाउल में ऐड करूंगी। चिकन को बारीक पीसना है, एकदम बारीक कीजिए चिकन को, थोड़ा साइड में कर दूंगी, फिर इसमें मसाले ऐड करने हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने जो सूखा मसाला बना के रखी हूँ, ये डाल दूंगी मैं। आप यकीन मानिए, जो घर के पीसे हुए मसाले हैं उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसी तरह से करेंगे तो हमारे कबाब बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार बनेंगे। मैं चॉप मसाला भी ऐड करूंगी अभी। फिर इसमें ऐड करूंगी जो मैंने चना, काजू और खसखस पीस के रखा है, वो भी इसमें ऐड करूंगी, फिर मिला दूंगी पहला। अच्छे से मिक्स करेंगे, बाकी के मसाले भी मिलाने, जो नींबू, अंडा और नमक, बस हमें बाकी कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करने। मैंने जो मसाले लिए भून के वो काफी है कबाब में, तो इसमें नमक ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। फिर नींबू का रस डालूंगी मैं, छान के डालूंगी, बीज को हटा दूंगी। मिला देंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूंगी मैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा, आधा चम्मच ऑयल मैंने ऐड किया। मिला देंगे, अच्छे से चिकन में मसाले अच्छे से मिलाइए,
फिर इसमें अंडा ऐड करूंगी। और अंडे को भी हम अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे, मिला देंगे। चिकन में मसाले लग चुके अच्छे से, देख सकते हैं आप। अभी हमें क्या करना है, इसे फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में 10 मिनट के लिए। तो ये फ्रीजर में रखेंगे और हम पराठे की तैयारी करेंगे। पराठे का आटा गूनेंगे। मैंने एक थाला लियो, हमें आटा अच्छे से गूनना है तो बाउल में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने थाला लियो। तो मैं अभी मैदा ऐड करूंगी इसमें पहला, फिर हम मैदे को थोड़ा साइड करेंगे। इसमें मिलाऊंगी बेकिंग पाउडर और मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली हूँ आधा कटोरी, ये भी इसमें ऐड करूंगी। यकीन मानिए फ्रेश क्रीम से बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं, तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब इसमें मिलाऊंगी नमक, नमक स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और इसे मिला देंगे अच्छे से। आटे को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। हमें एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है, उसके बाद मैं हाथ से गूनूंगी। मैं पहले आपको बताती हूँ हमें करना क्या है अच्छी तरह से। ये मिलने के बाद इसमें एक अंडा फेंट के हमें डालना है, तो ये अंडा मैंने इसमें मिला दिया। अभी फिर से आटे में मिक्स करेंगे सबको, चम्मच से मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम हाथ से गूनेंगे आटे को। मैंने मिक्स कर दिया, अभी मैं हाथ से इसे गूनूंगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी भी मिलाएंगे। थोड़ा सा पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे और जैसे देखते जाएंगे डो हमारा सख्त होगा तो थोड़ा पानी ऐड करेंगे, नरम होते जाएगा तो पानी की जरूरत नहीं है। आटा हमारा हल्के से गूंद के तैयार है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल मिलाऊंगी, काफी है, मिक्स करूंगी, मिला दूंगी। डो हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट हुआ है। अभी हम एक बाउल में इसे निकाल देंगे और हमें कम से कम इसे 20-25 मिनट के लिए फूलने के लिए रखना है, तो इसमें ढक्कन रखेंगे और इसे 25 मिनट के लिए फूलने रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रीजर से निकाली हूँ कबाब को। अभी हम कबाब बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कबाब का मिश्रण लूंगी हाथ में, आप अपने साइज से जैसे आप चाहे बड़े छोटे वो हिसाब से आप लीजिए। इसे इसी तरह से हमें गोल करते जाने का है, लंबा करने का है। देखिए ये साइज में हम कबाब तैयार करेंगे। इसे मैं एक प्लेट में रख दूंगी, बाकी के हमें कबाब सारे तैयार करूंगी और इसे रखने का तरीका भी मैं बताऊंगी। जैसे पार्टी वगैरह घर में है और हमें बना के रखना है पहले दिन में ही, और इसे फ्रीजर में कैसा रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं ये तैयार कर देती हूँ कबाब और उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे रखने का तरीका है। कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इसे रखने का तरीका आपको बताती हूँ। अगर हमें स्टॉक करके रखना है तो यहाँ पे मैंने डब्बा ली हुई है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दी हूँ। हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे बटर पेपर पे, चारों तरफ लगाएंगे। और ये जो कबाब है ना हम उसमें रखते जाएंगे। इस तरह से रखते जाएंगे
रखेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे, चिपकाना मत इसे, काफी है। फिर मैं इसमें बटर पेपर रखूंगी, थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी बटर पेपर पे। क्योंकि ऑयल से चिपकेंगे नहीं, अच्छे रहेंगे, इसके लिए ऑयल लगाना है हमें। तो ये मैंने बटर पेपर इसके ऊपर रख दी और एक रखूंगी। हमें ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्के से लगाना है, जैसे चिपके इसके लिए लगाना है बस। अभी फिर कबाब मैं रखूंगी इसके ऊपर इसी तरह से। इसे ढक्कन से ढक के हम फ्रीजर में एक हफ्ते तक भी चला सकते हैं कबाब को। तो ये तरीका आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं ढक्कन रखूंगी, बंद करूंगी और इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। उसके बाद में हम कबाब को फ्राई करेंगे। 25 मिनट हो गए, आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अभी हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो एक गोला लूंगी मैं आटे का, आप अपने हिसाब से साइज रखिए, मैं यहाँ पे छोटा सा लूंगी। गोल करेंगे और इसे इस तरह से हम लंबा करते जाएंगे। सब तरफ से सही होना चाहिए, ध्यान रखिए। अभी इसे हम मोड़ते जाएंगे। और इसे गोल गोल करके लपेटेंगे और पीछे के साइड में ये पंच करेंगे। इस तरह से हमारा गोला तैयार होता है। इसी तरह से सारे गोले तैयार करेंगे। पहला गोले हमारे तैयार हो चुके हैं, इसी तरह से तैयार करना है। अभी हम इसे बेलेंगे, आपको बताती हूँ। एक गोला लूंगी मैं, थोड़ा आटा लगाएंगे ऊपर, इसे बेलना है हमें। किनारों में पंच करना है, बीच में नहीं बेलेंगे, किनारे किनारे में बेलते जाएंगे। हमारे किनारे पतले होने चाहिए और बीच में हम बाद में एक बेलन मारेंगे, पहले किनारे बेलते जाएंगे। और हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है, रोटी कम छोटा ही रखेंगे, क्योंकि पराठा है तो इसे छोटा ही रखेंगे। इसमें हमने बेलन मार दिया, पराठा हमारा तैयार है। अभी इसे एक डब्बे में मैंने बटर पेपर लगा दी हूँ और इसे पराठे को रखूंगी मैं डब्बे में। दूसरा लूंगी आटा गोला, इसी तरह से हमें बेलना है। और मैं बताना चाहती हूँ, ये डब्बे में मैंने इसके लिए रखा है कि इसे फ्रीजर में रखना है। अभी इसके ऊपर मैं बटर पेपर रखूंगी फिर से, और जो मैं ये आटा बेलूंगी तो इसे रखना है फिर से हमें। पराठे बना के हमारे तैयार है। मैंने यहाँ पे डब्बे पे भी रखी हूँ और प्लेट में भी रखी हूँ। अगर हमें साइज छोटी करनी है तो डब्बे में फिट हो सकता है, और बड़ी साइज के बनाने तो इसी तरह से प्लेट में रखिए। अभी इसे मैं फ्रीजर में रखूंगी 20 मिनट। आधा घंटा हो चुका है, कबाब हमारे तैयार है। फ्रीजर से निकाल चुकी हूँ मैं और मैंने पैन रखी हूँ गरम करने। थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी इसमें, काफी है, फैला दूंगी। अभी तेल को थोड़ा गरम होने दीजिए, फिर हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं कबाब ऐड करूंगी। और गैस को कम करूंगी।
गैस को कम करेंगे और कम आंच में इसे पकाएंगे हम। सारे कबाब डाल दो पहले, बस, और गैस को कम रखेंगे और पकाएंगे। साइड में कबाब पक के तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम पलट देंगे। सारे कबाब को पलटेंगे और फिर हम इसे 3-4 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। धीमी आंच में पकाना है, गैस को फास्ट मत कीजिए, चिकन पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। इसी तरह से हम सारे कबाब को बनाएंगे। पक चुके हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हम पराठा बनाएंगे। तवा हमारा गरम हो चुका है पराठे का, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूंगी, फैला देंगे। और घी गरम हो चुका है, अभी मैं पराठा डालूंगी। और पकने देंगे हम, गैस को थोड़ा धीमा करेंगे, ज्यादा धीमा नहीं करना है हमें, थोड़ा सा धीमा करेंगे और अच्छे से पकने देंगे। एक साइड हमारा पराठा पक चुका है, अभी इसमें मैं घी ऊपर लगाऊंगी और पलट दूंगी। देख सकते हैं आप ब्राउन कैसे पराठा हुआ है, क्रिस्पी बन के बाहर आएगा, बहुत अच्छा बनता है ये। फिर से मैं घी लगाऊंगी थोड़ा सा और घुमाते जाएंगे। इसी तरह से हमें बनाना है और पलट दूंगी। और हमें बाकी के पराठे भी इसी तरह से तैयार करने हैं और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा चिकन सीख कबाब पराठा। इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।